में बीजेपी वर्कर बाबर की हुई हत्या में सियासत तेज हो गई है। सपा के विधायक और पूर्व मंत्री कमल अख्तर ने इसकी निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि जो आरोप लगा रहा है हत्या के पीछे के कारण का, वो तस्वीर साफ होनी चाहिए। जिस बीजेपी वर्कर बाबर की हत्या हुई थी उस पर लगातार सियासत जारी है, क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री कमल अख्तर जी? बाबर की हत्या हो जा रही है, कारण बताया जा रहा है कि बीजेपी के समर्थक थे, जीत की खुशी में मिठाई बांट रहे थे, योगी आदित्यनाथ उसकी उच्च स्तरीय जांच करा रहे हैं। देखिए, ये घटना पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था की पोल खोलती है। जो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करती है कि कानून व्यवस्था के ऊपर चुनाव लड़के आई, कानून व्यवस्था के ऊपर वो मुद्दा बना के आए, तो ये बात साबित करती है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है। यार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है, यहाँ पे भी सरकार है। हम लोगों का कहना है कि अगर किसी ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले उसकी उच्च स्तरीय जाँच कराएं, सीबीआई जाँच के लिए सिफारिश करें अगर उत्तर प्रदेश की एजेंसी नहीं कर पाती है। और हमारी भी यही मांग है कि इसकी कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सीबीआई जांच करानी चाहिए। लेकिन क्या आप मानते हैं किस प्रकार की हत्या, जो आरोप है कि वो बीजेपी का वर्कर था, क्या नहीं लग रहा है कि धीरे धीरे जिस तरीके से बंगाल में सियासी वर्कर एक दूसरे की हत्या करते थे, धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में ये मामला बढ़ रहा है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ किसी भी पार्टी का वर्कर था, किसी भी आदमी, कोई भी आदमी था, उसकी हत्या हुई है, जो एक जघन्य अपराध है। हम लोगों का कहना है कि किसी की भी हत्या हुए, अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो उसके अंदर कुछ सस्पेंस है, तो उसकी उच्च स्तरीय जांच कराए। और हमारा ये कहना है कि इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था की पोल खोलती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के विधायक कमल अख्तर थे। उन्होंने कहा कि जो कुशीनगर में बाबर की हत्या हुई है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सहयोगी संसाद के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज़।